सर क्या कोई एक्शन ले शुरू करें बोले जी 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 फोन किए आज जो विधान सभा में उद्योग विभाग को लेकर के जो है उनके मांग पर चर्चा थी और हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो कि डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में उद्योग आगे कैसे बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार कैसे मिले क्योंकि ये इनका चुनावी मैनिफेस्टो में भी था घोषणा पत्र में भी था कि 20 लाख लोगों को जो है रोज़गार का प्रबंध सरकार में आने के बाद ये लोग करेंगे। बिहार में बेरोजगारी दर जो है देश में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पलायन भी है और आप जानते हैं कि बिहार में कारखाने उद्योग जैसे नाम की अगर चर्चा होती है तो वो चर्चा केवल लालू जी के रेलवे के कारखाने जो दिए हुए हैं उसकी होती है। कोई भी शुगर मिल हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, ये सारे बंद पड़े हैं। जो खुला था वो भी बंद हो गया। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि शहनवाज हुसैन साहब जो कि उनको उद्योग विभाग मिला है एक ब्लूप्रिंट जो है एक अपना विजन जो है सरकार का या वो कैसे लोगों को रोजगार देंगे इंडस्ट्री लाएंगे इसके बारे में वो सदन के समक्ष रख लेंगे। लेकिन सारा समय जो मिला उन्होंने केवल अपनी आप की ही बात की। बिहार के 12-13 करोड़ जनता को छोड़ करके उन्होंने केवल अपनी बात की और हम लोगों ने तो ये भी बोला कि जब प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा किया था कि मोतिहारी के चीनी मिल का चाय वो आकर के पिएंगे जब वो सत्ता में आएंगे वो अब तक नहीं हुआ। एक साल में 2 करोड़ रोजगार तो दूर की बात। अभी जो वादा किया गया इसकी भी कोई व्यवस्था या कोई ब्लूप्रिंट जो है सरकार ने नहीं बताया। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी के समय जो है 1,44,000 करोड़ का पैकेज मिला और जब शहनवाज जी जब मंत्रिमंडल में रहे भारत सरकार में तब बिहार के साथ सौतेला व्यवहार रखा। बड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ जवाब दे पाएंगे लेकिन हालांकि उनके बजट में भी अगर देखा जाए उद्यमी योजना जो चलता है उद्योग विभाग का उस समय भी जो है लगातार जो है आवेदक जितने हैं लगातार छटनी जो है चलती रही और वो संख्या भारी कम तादाद में आकर के हुआ जो जिसको लाभ होता है। बड़ी एक संख्या है जिसको लाभ उस योजना से नहीं हो पाता उद्यमी योजना। तो हम लोग लगातार चाहते थे इसलिए हम लोगों ने सदन का जो है बहिष्कार किया क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। अब हम लोग सब लोग जो है लगातार इस चीज को भी लगातार उठाते रहे कि रोजगार कब मिलेगा, कब व्यवस्था होगी, कब कारखाने लगेंगे, कब फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा। बातें तो बड़ी बड़ी लोग करते हैं लेकिन काम की बात नहीं, सारे बेकार की बात सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने सदन से वॉकआउट हम लोगों ने किया है। और कोई सवाल आप लोगों का होगा तो एक तरफ से मक्का डालिए, डॉलर लीजिए, गन्ना डालिए, एथेनॉल लीजिए, ये तो बकवास वाली बातें हैं। ये तो बकवास वाली बातें हैं। शहनवाज हुसैन जी अभी उनको थोड़ा समय दीजिए पता चल जाएगा क्या रिजल्ट लेकर के आते हैं। उन्होंने कमिट किया अच्छा है भाई उनके मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा होगा तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा। निकाले भाई डॉलर निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि भाई सारी बंद शुगर मिले जो है वो खोलेंगे। कैसे खोलेंगे कैसे बंद हुआ इसकी जानकारी नहीं दी। कम से कम यही जानकारी दे देते कि कैसे खोलेंगे कैसे रोजगार देंगे यही तो ब्लूप्रिंट है। लेकिन वादा है वादों का क्या। प्रसादी का वादा उनको याद था उद्घाटन कर लेते हैं मुकेश सहनी जी के भाई जाकर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं सरकारी कार्यक्रम में। अब आप देखिए
इसके ज्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब इसका इंटेंशन आप समझ जाइए कि क्या कोई विधायक भी अगर अपना पीए सेक्रेटरी भी रखना चाहे तो अपने रिश्तेदार को नहीं रख सकता। ये है। अब कल को मुख्यमंत्री जी कहीं क्षेत्र में बिजी हैं और अपने बेटे को विधानसभा भेजेंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? तब तो कल से अनिल साहनी जी हैं कि अपने बेटे को विधानसभा भेज देंगे, क्षेत्र में बिजी रहेंगे तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, जो भी है, उनको मिला भी तो अपना भाई ही मिला, पार्टी का कोई अति पिछड़ा समाज का कार्यकर्ता नहीं मिला भेजने के लिए। इतना हितों की बात करते हैं तो देखिए, जो लोग जमीन में काम कुछ नहीं किया हो, जमीनी हकीकत नहीं जानता हो, जो कभी चुनाव नहीं जीता है, उसको आप मंत्री बना दीजिएगा तो इसमें गलती मुकेश साहनी की थोड़ी ना, गलती तो नीतीश कुमार जी की ना है। इससे तो बिहार का नुकसान हो रहा। अब आप बताइए, जिसको इतना ज्ञान नहीं है, जो हम लोगों को बोलते रहते ABCD, तो उनको तो कम से कम अपने तरफ देखना ना चाहिए कि कैसे चला रहे हैं वो सरकार। नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा? बिहार का हो रहा। अब भाई को भेजे भी तो भेजे, लेकिन उसको भी बता के नहीं भेजे कि कौन सा योजना के तहत आपको वितरण करना है, योजना की भी तो जानकारी नहीं। अब ज्यादा कुछ हम इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि चुनाव हारे हुए को बना दिया गया है, जो विधायिका नहीं जानता तो उस सरकार की पॉलिसी कहाँ से जाने। अब भगवान भरोसे बिहार चल रहा है, चलने दी। फिर भी ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है बिहार में, ना होटल आते हैं, ना ऑटोमोबाइल कंपनी आती है, ना टेक कंपनी आती है। अरे नहीं आता है तो लाने का प्रयास क्या कर रहे हैं? यही तो हम पूछ रहे थे ना कि आपका क्या विजन है, क्या एक्शन प्लान है, वो सदन को बताइए ना। बिहार की जनता शहनवाज हुसैन जी क्या थे, क्या हो गए, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बिहार की जनता इंटरेस्टेड है इंडस्ट्री कब लगेगी, आईटी सेक्टर कब लगेंगे, लोगों को रोजगार कब मिलेगा, बंद पड़ी शुगर मिल, जूट मिल, पेपर मिल ये कब खुलेगा। बिहार के लोग इसमें इंटरेस्टेड है, ना कि वो शहनवाज हुसैन जी के अनुभव के बारे में लोग ज्यादा इच्छुक है। जो भी अनुभव है अच्छा है ना, हम तो बोले भाई घी शक्कर, उनके मुंह में घी शक्कर खोले, लेकिन कोई समय सीमा तो बता देना चाहिए था कब खोलेंगे, और तरीका बता देते कि कैसे खोलेंगे। मंत्री जी ऐसी मशीन और ऐसी योजना ला रहे हैं कि मखाना और मक्का डाले और डॉलर निकलेगा। मंत्री जी पे अब क्या बोलना, उनको समझ थोड़ा कम है। राहुल गांधी जी जो कहा था उन्होंने, वो मोदी जी के संदर्भ में कहा था। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि बीजेपी के लोग रहेंगे तो मोदी जी तो चांद पे भी जमीन भेज देंगे, तो इसका मतलब राहुल गांधी नहीं भेज रहे, इनको संदर्भ में ही गलती है, उसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सोना निकलेगा। खैर जो भी है, लेकिन ये डॉलर निकालने का तो ये सदन में वचन दिए है ना, यहाँ से आप धान डालिए, मक्का डालिए, उधर से जो है डॉलर निकलेगा, लेकिन वो डालेगा कहाँ, मंडी कहाँ है? माना कि तो लगातार गिरता जा रहा है। बिहार में मंडी है कहाँ, व्यवस्था? बाजार समिति तो 2006 में ही नीतीश कुमार जी खत्म कर दिया, जब बाजार ही नहीं है तो डालेगा कहाँ, ये जरा पूछिए। मंत्री का मानना है कि अब सियाई में चावल सड़ जाते हैं, सड़े हुए चावल डालेंगे। अब पता नहीं अब क्या है नहीं, लेकिन उनसे खाली पूछिएगा ना। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण है आपका बिहार फाउंडेशन। बिहार फाउंडेशन का काम है ब्रांडिंग बॉन्डिंग बिजनेस, जो NRI, यानी आप बिहार के बाहर जाकर के बिहार का ब्रांडिंग कीजिए, वहाँ जो बिहारी बाहर रहते हैं उनसे बॉन्डिंग कीजिए और उनसे बिजनेस कीजिए।
उस पर बताएंगे जरा। जी एक सवाल है।